मैं यहां से कुछ भी इनकम नहीं कर पाया। अगर मैं YouTube को भी दिया रहता, YouTube को भी दिया रहता तो कम से कम, तो सबसे बड़ा जो लर्निंग पॉइंट है वो है एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस होता कैसे है, हमें कर कर चीज़ें कर करके। तो जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने की है, गलतियाँ की हैं। वो क्या गलतियाँ हैं जो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो गलती ना करे कोई भी, जिसके वजह से हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तो सबसे पहले में है एक ग्रीड। हमारा ग्रीड होता है ना, एक ग्रीड मतलब लालच, एक लालच आ जाती है। तो मेरे अंदर एक लालच आई, मेरे अंदर एक लालच आई ज्यादा पैसा कमाने की। चलो ठीक है, ज्यादा पैसे कमाने की लालच आई, ये आनी भी चाहिए क्योंकि आजकल तो सबको ग्रीड है पैसे की, बहुत जरूरत है पैसों की, क्योंकि बिना पैसे के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है आदमी। एक कहावत सुनी होगी आपने, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। तो हम गरीब क्यों मरेंगे? गरीब पैदा हो गए हैं लेकिन गरीब मरेंगे नहीं, ठीक है यहाँ तक ठीक है। लेकिन एक लालच आई पैसे कमाने की, लेकिन पैसे कमाए कैसे, यही दिक्कत आ जाती है, यहीं पर आकर के आदमी फंस जाता है। पैसे कमाए कैसे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखी। तो सबसे पहले आया, आप YouTube पर वीडियो बनाओ, वहाँ से पैसा कमा सकते हो। आप ब्लॉग लिखो, वहाँ से पैसे कमा सकते हो। Instagram से, Facebook से आप कंटेंट क्रिएट करके तो वहाँ से पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे आइडिया है, क्योंकि मुझे तो जाना ऑनलाइन में ही था तो बहुत सारे आइडिया आया। लेकिन इसी सर्च में मैंने एक रास्ता वो अपना रास्ता लिया, क्या था? शॉर्टकट। यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट रास्ता, मैं शॉर्टकट रास्ता अपना लिया। अब शॉर्टकट से होता क्या है, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो उस पर बहुत सारे वीडियो मिल गए कि 1 से 5 लाख रुपए महीने कमा सकते हो, 1 लाख रुपए मिनिमम से मिनिमम कमा सकते हो। ऑलरेडी उस फील्ड में उतने सारे लोग पैसा कमा रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं इसी फील्ड में चला जाता हूँ। 1 से 5 लाख रुपए कमाएंगे, जिंदगी मजे से गुजरेगी, अब और क्या चाहिए। 1 से 5 लाख रुपए तक महीना कमाना कोई आसान थोड़े है। लेकिन उस समय मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कि हाँ शायद कमा सकता हूँ। तो उसमें पता चला कि उसमें जो उस सारी चीज़ें सीखने के लिए उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट लग रहा था। तो इन्वेस्ट कितना लग रहा था उसमें, 92,000 रुपये लगा मेरा, 92,000, 92,000 रुपये मेरा लगा। अब 92,000 रुपये यहाँ लग गया, उसके बावजूद भी मैं उससे पहले भी ऑलरेडी मैं माइनस में चल रहा था, मेरे ऊपर ऑलरेडी लोन था। तो 92,000 रुपये लगा, अब 92,000 रुपये आएगा कहाँ से था? उसमें एक कोर्स था, एक कोर्स था, कोर्स का प्राइस था 92,000 रुपये। तो 92,000 रुपये मैंने इसमें लगाया एक कोर्स खरीदने के लिए। अब उससे पहले क्या चाहिए था, मेरे मुझे 92,000 रुपये चाहिए था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक लोन लिया, लोन लिया जो 5% की रेशियो मंथली चल रहा था, मंथली यानी कि ईयरली देखा जाए तो 60% होता है, 60% ईयरली होता है। तो इतने सारे जो है मुझे 5 लाख रुपए कमाने की जरूरत पड़ी, 1 to 5 लाख्स, 1 से 5 लाख रुपए कमाने की मेरी लालसा जगी। उसमें कितना लगा मुझे, लोन लिया 5% मंथली यानी कि ईयरली हो गया 60%। 60% बहुत बड़ी रकम होती है। मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें हैं जो हम कैसे ट्रैप में फंस जाते हैं, ऐसे ट्रैप में फंसते हैं ना कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इतना पैसा देने के बावजूद भी मैं यहाँ से कुछ भी इनकम नहीं कर पाया, यहाँ से इनकम हुआ मेरा जीरो। मुझे वहाँ से इनकम हुआ 0 रुपये। अब इतना पैसा लगाने के बावजूद भी 0 रुपये हुआ, प्लस इसमें मेरा समय लगा कम से कम 6 महीने,
छः महीने मैंने बर्बाद कर दिए, 6 मंथ, और मैं जिस फील्ड में था कुल्फी भी बेचता था तो उसमें 20 से 30 हजार रुपये कमा लेता था। तो अगर 20 हजार का भी जोड़ता हूँ तो 1,20,000 ये हो गया, 1,20,000 रुपये ये हो गया, 92,000 ये हो गया, प्लस में इतना समय गया मेरा, ईयरली गया ये 60%, यानी मंथली हो गया आपको मिनिमम 4,000 रुपये, 4,000 रुपये मेरा ईयर मंथली मंथली जा रहा था। अब इसमें 6 महीने भी पैसा रहता है तो 6×6=24,000 रुपये मेरा केवल इंटरेस्ट देना पड़ा, मुझे ट्रैप में फंसता गया इस कर्ज को चुकता करने के लिए, लोन को चुकता करने के लिए। बट एक चीज़ यही हुआ कि मैं अपने जीवन से सीख गया, सीखा ये कि कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। आपको जो करना है ना लाइफ में, जो बनना है उसमें आपको समय लगेगा। बट हाँ, हम शुरू में क्या लगता है ना कि ये जल्दी जल्दी हम इसको अचीव कर लेते हैं, वरना पता नहीं लेट हो गया तो हम फेल हो जाएंगे, जिसके वजह से हम गलत स्टेप उठा लेते हैं और एक ना एक दिन फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने अपने लाइफ में कुछ गंवाए हैं, जो मैं नहीं चाहूँगा कि वो गलतियाँ आप करें। देर से भी आना चाहिए लेकिन उसकी है जो इम्पोर्टेंस समझ में आती है। शॉर्टकट आया हुआ पैसा भी आप तुरंत गंवा देते हैं, आपके पास नहीं बचता है। ये सारी चीज़ें मैं ना करके, ये जो पैसा है इसको इन्वेस्ट ना करके, मैं अगर 1 साल अगर मैं YouTube को भी दिया रहता तो कम से कम 20-30 हजार महीना कम से कम तो आ ही जाता, 20-30 हजार महीना आराम से आ जाता। और एक कुल्फी बेचने वाले की लाइफ में अगर ऑनलाइन 20-30 हजार रुपये में महीना कमाता है ना, तो ये कोई कम रकम नहीं है भाई। 20-30 हजार रुपये कमाना कोई कम रकम नहीं है, ये तो मंथली है। जो एक जॉब करते हैं ना, गवर्नमेंट जो जॉब है ना, वो 20-30 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं। और मैं यूट्यूब से भी, क्योंकि इसके बारे में यूट्यूब के बारे में मुझे बहुत दिन से पता था, 2 साल लगभग लॉकडाउन हुआ ना 2020 में, उसी समय से मुझे पता था। बट हाँ, कुछ उस समय मुझे मालूम नहीं था वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, पोस्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो किसी और वीडियो में बताऊंगा। मगर मैं अगर यहाँ पर दिया रहता ना यूट्यूब को, तो भी 20-30 हजार रुपये आ सकती थी। ब्लॉग भी लिखता तो भी मुझे कुछ पैसा कमाना शुरू हो गया रहता। बट कोई नहीं, जो चीज़ें हम सीखते हैं एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, और एक्सपीरियंस बहुत बड़ी है जो एक लर्निंग देकर जाती है, उससे बड़ा गुरु कोई नहीं है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी शॉर्टकट आप अपनाने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे, ऐसे ट्रैप में फंस जाएंगे कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस वक्त मैं हूँ एक ऐसे ट्रैप में कि आज भी -1 लाख के करीब में मैं चल रहा हूँ, 1 लाख रुपये की है जो मैं माइनस में भी चल रहा हूँ। बट कोई नहीं, होता है, लाइफ है, स्ट्रगल भरी लाइफ है, चलती रहती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। फाइनेंशियली से रिलेटेड आपको इस चैनल पे वीडियो मिलती रहेगी फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि इतना तो जरूर है कि अपने लाइफ में इतना कुछ सीखा हूँ कि मैं आपको ज़रूर सिखा सकता हूँ एक छोटे तबके के लिए, एक गरीब परिवार के लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।